हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एंड सीटीस वैलिडेटेड चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वर्टिकल पोजीशन में आप किस प्रकार से जो प्रैक्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। जो दोस्तों आपको बताऊंगा ये दोस्तों प्रैक्टिकल है CO2 वेल्डिंग की, ठीक है। तो अगर आप इससे मैच करके लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उसमें दोस्तों आपको आर्क वेल्डिंग के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हम आपको बताएंगे इसमें कैसे लिखना है तो CO2 वेल्डिंग के बारे में होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको वेल्डर रिलेटेड जॉब थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो आपने नहीं देखा तो वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पे आपके लिए वीडियो बना भी जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये किसी दोस्त ने हमें कहा था कि सर इसके ऊपर बताइए हिंदी मीडियम में, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो जो है इंग्लिश में मैंने दे रखी है, तो इंग्लिश में दोस्तों कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि हिंदी में बताइए सर, ठीक है। तो दोस्तों मैं हिंदी वीडियो लेके आया हूँ, अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आया तो सिंपल सा लाइक करना, आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल तो ऐसा बनता है, अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको जो इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये पेज है आपका, इसी पेज पे आपको लिखना है, ठीक है। आप चाहें तो एक ही पेज पे लिख सकते हैं, लेकिन नहीं तो आपको दोस्तों आपकी राइटिंग जो है खुली खुली है यानी अच्छी है और भी, तो दोस्तों दूसरे पेज पे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप दूसरे पेज पे जाएंगे तो एक पेज जो है इस साइड का आपका जो है ख़राब होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो एक ही पेज पे सारा जो है मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों पेज इस तरह से होता है, आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, जो भी आपका डेट है आप डाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर जो भी आपका दोस्तों यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, कि हमारा 28वां नंबर है, 22वां नंबर है, 25वां नंबर है, तो जो भी आपका यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पेज नंबर जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एम देखना है, एम जो है आप जो भी बना रहे हैं या जो भी बनाने वाले हैं उसका एम यहाँ पे लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या बना रखा है, ऊपर मैंने दिखाया आपको कॉर्नर जॉइंट, तो लिखा हमने टू प्रिपेयर ए कॉर्नर जॉइंट टू ऑन MS प्लेट थिकनेस 5 mm इन वर्टिकल पोजीशन बाय GMAW CO2 वेल्डिंग। दोस्तों जो भी हम ये प्रैक्टिकल जो है ये मैंने लिख के दिखाया आपको GMAW CO2 वेल्डिंग के बारे में है, ठीक है। तो इसके बारे में कैसे हम कॉर्नर जॉइंट जो हम बनाते हैं क्या क्या मटेरियल है उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों ये पहले आपको एम लिख लेना है, उसके बाद रॉ मटेरियल लिखेंगे, क्या लिखा हमने रॉ मटेरियल में, MS प्लेट आपका होना चाहिए, ठीक है। और जो साइज़ है MS प्लेट का आप यहाँ पर डाल सकते हैं, MS मतलब दोस्तों माइल्ड स्टील की प्लेट है। अगर दोस्तों वायर रोल है, और अगर आप उससे कर रहे हैं आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड आ जाएगा, ठीक है। तो वायर रोल है कितना है इसका डाया, 0.8 mm इसका जो है वायर का रोल का मतलब व्यास है, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो भी आपका यूज़ करेंगे आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाल सकते हैं, ठीक है। 3/15 की 4 की जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो डाल सकते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो भी आपने टूल्स यूज़ किए GMAW CO2 वेल्डिंग मशीन गैस सिलेंडर की रेगुलेटर गैस फ्लो मीटर एपरन ग्लव्स लेग गार्ड स्लीव्स वायर ब्रूस स्टील रूल डॉट पंच स्क्राइबर सारे दोस्तों आपको लिख देने हैं, ठीक है। कम से कम दोस्तों 5 या 7 जरूर लिख दें, ठीक है, अपनी इच्छा से। आगे दोस्तों वर्किंग स्टेप देखें, वर्किंग स्टेप में ही हमारी जो है मेन होता है वर्किंग स्टेप, यानी क्या क्या किया हमने। सबसे पहले दोस्तों क्या किया, सबसे पहले हमने स्टील रूल से मेजरिंग करी, जो भी प्लेट है हमने उसको मेजरिंग करी और डॉट पंच से उसमें मार्किंग कर दी। अब हैंड हैक्सा से उसकी वर्क पीस की कटिंग कर दी, ठीक है। ट्राई स्क्वायर की मदद से जॉब के किनारों की तैयारी किनारों को 90 डिग्री पर उसको तैयार किया। इसके बाद सुरक्षा साधन पहने हमने, जो भी सुरक्षा साधन होते हैं ग्लव्स वगैरह। अब हमने मशीन को ऑन किया तथा सिलेंडर पर लगे प्री हीटर को हमने ऑन किया। दोस्तों आप जब CO2 वेल्डिंग करते हैं तो उस पर देखेंगे कि प्री हीटर लगा होता है, तो उसको भी ऑन करना आपको ज़रूरी है। कुछ समय बाद जो है सिलेंडर की मदद से सिलेंडर के वाल हमने खोल दिए, ठीक दोस्तों, जो उसका वाल होता है उसको खोल दिया हमने तथा प्रेशर को सेट कर दिया, ठीक है। प्रेशर सेट करने के बाद क्या किया आपने, इसके बाद जो है उसका करंट देखेंगे, करंट जो हमने कितना सेट किया 150 एम्पियर और वोल्टेज जो है 22 वोल्टेज सेट किया। इस प्रक्रिया को DCRP कहते हैं, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है, तो DCRP कहते हैं। फिर हमने वर्कपीस को वेल्डिंग टेबल पर रखा और उसके बाद वर्टिकल पोजीशन में कॉर्नर जॉइंट लगाया, ठीक है दोस्तों, जो हमारा जॉइंट है वो हमने लगाया। इसके बाद वेल्डिंग बीड को वायर ब्रूस से की सहायता से साफ किया हमने।
इसके बाद हमने विजुअल इंस्पेक्शन में विजुअल इंस्पेक्शन करके पाया कि हमारी वेल्डिंग बीड बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके जैसे वायर ब्रश में हम साफ भी ना करें लेकिन दोस्तों उस पर स्पैटर्स होते हैं तो उसको साफ करना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें स्लैग नहीं बनता CO2 वेल्डिंग में, आपको मैंने पहले भी बताया है अगर आपने थ्योरी और पिछली वीडियो देखी होगी तो। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इसमें जो है वेल्डिंग बीड में बिल्कुल सही हमारी आई है। आगे देखते हैं, इसके बाद हमने मशीन को अच्छी तरह से साफ़ किया, जो भी मशीन है हमने उसको अच्छी तरह साफ़ किया तथा मशीन सेट को पूरी तरह बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, काम हो जाने के बाद अपनी जो वेल्डिंग सेट है उसको पूरी तरह बंद कर दे, और दोस्तों ये अपनी वर्किंग स्टेप में भी आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, आगे दोस्तों सेफ्टी प्रिक्वेशन देखिए, सेफ्टी प्रिक्वेशन आपको बहुत ज़रूरी है लिखना। सभी जो सुरक्षा साधन पहनने चाहिए आपको PPE का प्रयोग करना चाहिए, गर्म जॉब को हमेशा जो है टोंग के साथ पकड़ना चाहिए, कभी भी हाथ का यूज़ ना करें नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। मशीन के कनेक्शन अच्छी तरह से चेक कर लेने चाहिए ताकि आगे कोई भी लड़का आके वेल्डिंग करे तो उसको दोस्तों करंट वगैरह ना लगे। ठीक है, वेल्डिंग के दौरान आसपास अग्निशामक यंत्र भी होना चाहिए ताकि अगर आपको आसपास आग वगैरह लग जाए तो उसको हम जल्दी से बुझा सके। ठीक है दोस्तों, आग ज़्यादा ना फैल पाए। रिजल्ट में आपको क्या लिख देना है, रिजल्ट में लिखना है द कॉर्नर जॉइंट ऑन MS प्लेट इन वर्टिकल पोजिशन बाय MIG मैग CO2 वेल्डिंग इक्विपमेंट्स। ठीक दोस्तों, तो ये आपको रिजल्ट में लिख देना है और यहाँ पे दोस्तों आपके टीचर के सिग्नेचर यहाँ पे करवा लेने हैं। ठीक दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, जानकारी आपको पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।